हेलो गाइस, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस SI की जो रिक्वायरमेंट है और इसका जो है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जो इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है हरियाणा पुलिस SI का। ये जो वैकेंसी है 465 वैकेंसी SI की जो है हरियाणा पुलिस ने जो है वो दी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है आपको मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, इसकी एग्जामिनेशन कब तक हो पाएगा, एडमिट कार्ड और फीस की पेमेंट क्या है, कितनी कितनी करनी होगी, और क्वालिफिकेशन और फिज़िकल का भी जो है मैं आपको मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा मेल एंड फीमेल के लिए। तो बच्चा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को और देख लेते हैं जो SI की वैकेंसी है हरियाणा पुलिस में, इसकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, वैकेंसी जो आ रही है हरियाणा पुलिस SI पोस्ट 465 पोस्ट सब इंस्पेक्टर, और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की तरफ से की गई है, HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2021 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है क्या नहीं रखी गई है वो सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं तो इसका फॉर्म परसों से जो है इसका फॉर्म जो है आपके लिए ऑनलाइन ओपन कर दिया जाएगा। 19 तारीख से जो है इसका फॉर्म को जो है ओपन कर दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट आपको दी गई है 2 जुलाई 2021, यानी 2 जुलाई तक आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 2 जुलाई 2021 है, और फीस की पेमेंट जो है 6/7/2021, यानी फ़ीस जो है आप 6 तारीख यानी 4 दिन जो है आपको, अभी मैं आगे जो आपको फ़ीस का बताऊंगा फ़ीस कितनी है, लेकिन 4 दिन का जो है आपको टाइम दिया गया है फ़ीस की पेमेंट करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं तो फ़ीस की पेमेंट देख लेते हैं। जनरल एंड अदर स्टेट वाले बच्चों से जो है 150 रुपये चार्ज ले रहे हैं, या मैं आगे बताऊंगा आपको कि अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं या नहीं भर सकते। जनरल एंड अदर स्टेट वाले बच्चों से 150 रुपये चार्ज ले रहे हैं। रिज़र्व कैटेगरी वाले बच्चे, जो भी हरियाणा के रिज़र्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनसे जो है 75 रुपये जो है वो चार्ज लिया जाएगा इस फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए। आप इस फॉर्म को जो है भारत में कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं आप इस फॉर्म को, बट जो है आपको भरना होगा जनरल कैटेगरी में ही आपको फॉर्म भरना होगा। जनरल कैटेगरी में जो है इसमें आपको फॉर्म भरना होगा, और भारत के आप कहीं भी रहते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपको इंडियन होना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें एज क्या रखी गई है क्या नहीं रखी गई है वो सारी चीज़ लिख लेते हैं। एज जो आपकी काउंट होगी ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, 1/6/2021 से जो है आपकी एज जो है वो काउंट हो जाएगी। और इसमें जो मिनिमम एज चाहिए, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज जो चाहिए 27 ईयर तक जो है इसमें आपको एज चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC वाले बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 1 जून 2021 से जो है आपकी एज काउंट होएगी, 21 से 27 वर्ष तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 465 जो है वैकेंसी है। अब मैं आपको मेल एंड फीमेल के लिए बता देता हूँ। मेल की बात करें तो 400 वैकेंसी मेल के लिए है, 65 वैकेंसी फ़ीमेल के लिए है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, BA करा हो, BCOM करा हो, BSc करा हो, या अन्य कोई ग्रेजुएशन डिग्री करी हो तो भी ये इसमें जो है मान्य होगा। बट इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10th में जो है आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आपके पास हिंदी हो या आपके पास संस्कृत हो, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए भी जो है सेम ही है, क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए सेम ही है। अब इसमें फ़िज़िकल के बारे में देखते हैं, फ़िज़िकल में क्या रखा गया है मेल के लिए क्या रखा गया है फ़ीमेल के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, हाइट जो रहेगी 170 सेंटीमीटर, और रिज़र्व कैटेगरी वाले मेल के लिए जो रिज़र्व है 168 हाइट। एंड फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट होनी चाहिए, एंड 156 की अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, जो रिज़र्व कैटेगरी की फ़ीमेल है। अब आगे बात करते हैं चेस्ट की, चेस्ट कितनी कितनी होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 83 एंड फुलाने के बाद जो है वो 87 सेंटीमीटर तक की जो है आपकी जो है वो चेस्ट होनी चाहिए।
और रिज़र्व कैटेगरी वाले मेल के लिए बात करते हैं तो 81 और फुलाने के बाद जो है 85। ठीक है, अब रनिंग के की तरफ चलते हैं कि आपको रनिंग कितनी करनी होगी। रनिंग जो आपको करनी होगी 12 मिनट में जो है 2.5 किलोमीटर की जो है आपको लंबी दौड़ लगानी होगी, 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की। वहीं फीमेल के लिए बात करते हैं तो इससे आधी हो जाएगी, उनको जो है 6 मिनट में 1 किलोमीटर की जो है वो दौड़ लगानी होगी, जहाँ जो इन्होंने इनके SI के नोटिस पे लिखा गया है। फॉर्म का लिंक जो है आपके लिए जो है परसों से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, इन्होंने जहाँ तक लिखा है सैटरडे से जो है इस फॉर्म का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 14-15 दिन का टाइम मिलेगा। तो बच्चा इस वीडियो को जो है शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म कब चला जाता है। तो आप इस वीडियो को जो है शेयर कर देना ताकि उन बच्चों पे भी जो है ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर SI की जो है वैकेंसी आ गई है। काफ़ी बच्चे जो है बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है। मैंने इस वीडियो में जो है सारा कंप्लीट आपको बता दिया, फिज़िकल बता दिया, डेट बता दी, फीस बता दी, वैकेंसी बता दी और क्वालिफ़िकेशन भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी बच्चा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है SI की पोस्ट पे, हरियाणा SI की पोस्ट पे, तो आप जो है मेरे को कमेंट पे कर देना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिख देना, तो मैं जो है आपका उसी टाइम जो है आपको रिप्लाई दे दूँगा। आप इसका फॉर्म जो है ऑल ओवर इंडिया से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी में भरना होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज वैकेंसी है, स्टेट लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए जो है आपको अगर अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको जनरल में ही आपको फ़ीस कटेगी, जनरल में ही आपका जो है फिज़िकल होएगा और जनरल में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज़ बस आप सोच लेना। ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा कुछ जो है इसमें कवर कर दिया, फिर भी अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आए, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बता देना, अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देना, हमारी टीम द्वारा जो है आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करना बच्चा, और भी बच्चों पे फैला देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।